संत हमने बोलते हुए ही देखे हैं, जो लोगों को समझाने में कुशल हों, वक्तव्य देने में कुशल हों, लिखने में और जो देखने में प्रभावशाली हों, जो बहुतों को समझा सके, ऐसे लोगों को हमने संत रूप में संत माना। जब पहली बार संत श्री शरणपाल साहब जी के दर्शन हुए तो एक दूसरी ही तरह के संत थे, देखने में हल्के फुल्के, बहुत कम बोलने वाले, शांत रहने वाले। जितना बड़ा उनका नाम है शरणपाल साहब, उतने ही छोटे, उतने ही कम चीजों में गुजर कर लेने वाले, कहीं अपने को आगे नहीं रखना, पीछे रह जाना, साथियों को आगे कर देना। नवापारा आश्रम में वो काम करते रहते थे खुरपी लेकर के, कोई आदमी आए कहे साहब जी से मिलना है तो दूसरों को आगे कर देते थे वो। हाँ, वो वहां बैठे हैं उनसे, और खुद खुरपी लेकर के अपना जो काम करते थे वो करते रहते थे। वो उनको ऊपर से कोई देखे तो बड़े साधारण से लगते थे, और जब उनसे व्यवहार ले तब पता चलता था कि आदमी में गहराई कितनी है और गंभीरता कितनी है। वैसे लोग मैंने जीवन में और नहीं देखे, ये मैं ईमानदारी से कहता हूं। जब वो कभी इलाहाबाद सत्संग में आया करें वार्षिक कार्यक्रम में, तो श्री अमृत साहब जी साथ में रहा करें, दोनों लोग गुरु जी के बगल में बैठाए जाते थे। जब सत्संग सुबह चले और शाम को चले तो हम लोगों का बड़ा मन रहा करे कि इन मूर्तियों से थोड़ा थोड़ा हम लोग सुने, इतनी दूर से आए हैं, इतने लोगों को लेकर के आए हैं, तो जरा इनकी कुछ वाणी सुने। कभी नहीं सुन पाए हम लोग, वो कभी बोले ही नहीं। 20 वर्षों तक मैंने उनको वहां पर आते हुए देखा, लेकिन बोलते हुए कभी नहीं पाया। चल चल रहन देना, दूसरे लोग बोलेंगे। कभी वो नहीं बोले। संत कौन? तो किसी ने कहा, जो शांत हो और जो सरल हो वही संत। श्री शरणपाल साहब जी को शांत पाया और सरल पाया। जितना उनका योगदान है उस योगदान पर तो उन्हें संतों में रतन मानना चाहिए, पर वो किसी दिखावे में नहीं पड़े। पहले की मैं पुस्तकें पढ़ता हूं 1960 की, गुरुजी की जो पहली टीका है वो है विवेक प्रकाश टीका। श्री
राम सूरत साहब जी की पुस्तक है विवेक प्रकाश, उसकी टीका अविलाश साहब जी ने की और उसको छपवाया गया, काशी में छपी वो पुस्तक। और उस पुस्तक के जो प्रकाशक थे, जिन्होंने धन दे करके उसको छपवाया और जिसकी वो प्रतिलिपि किए, वो श्री शरणपाल साहब थे। तो जो उनके साथ रहता था वही जानता था कि वो शरणपाल साहब हैं, बड़े संत हैं, दूर से कोई नहीं जान पाया। जब भक्तों के यहाँ जाएं, उनको लोग बुलाया करें तो जाएं, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, सप्ताह भर, एक गांव से दूसरे गांव होकर के जब वो वापस आश्रम आया करते थे, तो जो साथी हैं नए नए, हम लोग को बुलाते वो, और किसी को 20 रुपया, किसी को 10 रुपया, सबको दिया करते थे। हम लोगों को लेने का क्या अधिकार था? कुछ नहीं, हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन हम लोग नहीं गए थे और साहब जी घूम करके भक्तों के यहाँ से भ्रमण करके आते थे, तो हम लोगों को भी कुछ दे दिया करते थे। जैसे धूप तेज हो और सिर पर घाम लगता हो तो मन करता है कि कोई पेड़ होवे हरा भरा, जिसके नीचे जाकर के हम थोड़ा सा खड़े हो सके, थोड़ी छाया मिल जाए, थोड़ा ताप कम हो, तब हम आगे यात्रा करें। वो ऐसे ही संत थे, माँ हृदय थे वो। बासी खा लें और काम पर लग जाएं। कभी ऐसा नहीं होता था कि वो अपने आप को मुखिया समझे हों, अपने आप को उन्होंने केंद्र में रखा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे दूसरे वैसे वो स्वयं, जैसे घर में माँ होती है ना, अगर माँ ना हो तो घर खाली खाली हो जाता है, लेकिन माँ भोजन बनाती है, काम करती है, सबको खिलाती है और जो कुछ भी बचता है वो खाती है, वो माँ है, इसीलिए वो माँ है। अगर पहले खा ले तो शायद माँ कैसे, वो माँ जैसे ही थे। अगर उनकी कोई स्मृति करता है, उनकी कोई याद करता है और उनका नाम लेता है, तो वो सचमुच डिजर्व करते थे, वो थे वैसे। हम उनको कितना समझ पाए, बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, बुद्धि और योग्यता वो अलग अलग हो सकती है, कम और ज्यादा हो सकती है। कोई मान लो ना भी बहुत बुद्धिमान रहा हो, समझ ना भी गहरी रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन मन हमारा हमारे जीवन को बनाता है। अभी यहां कुछ समय पहले संत भगत जी कह रहे थे, हमारी बुद्धि मूल्यवान है, हम बुद्धिमान हों ये अच्छा है, लेकिन बुद्धिमानी से ज्यादा मन कीमती है। हमारा मन कैसा है, जैसे इसको थोड़ा सा और समझे, एक छोटा बच्चा है, वो बुद्धि में बहुत तेज नहीं है, बहुत बुद्धिमान नहीं है, उसे दुनियादारी की बहुत समझ नहीं है, ठीक है, लेकिन
लेकिन उस बच्चे का मन, उस बच्चे का मन बहुत पवित्र है और इस नाते उसमें जो निश्चलता है, इस नाते जो उसमें पवित्रता है, वो बड़े बुद्धिमान लोगों में भी नहीं पाई जाती है वैसी पवित्रता। तो हमारा जीवन हमारी बुद्धि के सहयोग से चलता है, ठीक है, ये स्वीकार है, लेकिन हमारा जीवन हमारे मन से ज्यादा चलता है। हमारा मन कैसा है, हमारी सोच कैसी है, दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हुए हैं, लेकिन जब जीवन का अंत आया तो उन्हें समझ में आया कि हम कहीं चूक गए, जी नहीं पाए सही। लता मंगेशकर का नाम सुना है आपने? लता मंगेशकर इस देश में सबसे बड़ी गायिका मानी गई हैं। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनका स्वर इतना मीठा होता था। वो चार बहनें थीं और चारों बहनें गाती थीं। उनके पिता भी गायक थे, एक भाई था वो भी गाता था और मध्य प्रदेश के ही थे। अपनी बहनों को पालने पोसने में वो ऐसे लग गई कि उनको शादी करने का ख्याल ही नहीं आया और वो 95 बरस की होकर के अभी मरी और लगभग 50,000 गीत उन्होंने गाए। बहुत बूढ़ी हो गई थी तो उनसे किसी व्यक्ति ने इंटरव्यू में पूछा, कहा अगले जन्म में आप क्या होना चाहेंगी? उन्होंने कहा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। उसने पूछा सब लोग लता मंगेशकर होना चाहेंगे और आप नहीं होना चाहेंगी? उन्होंने कहा बहुत मेहनत है, ये मैं ही जानती हूं। जो जिस ऊंचाई पर पहुंचता है उसमें कितना श्रम लगता है ये वो चलने वाला ही जानता है। दूसरे लोगों के लिए तो खिलवाड़ है। 20 बरस पहले यहां सिर्फ खेत हुआ करता था, सिर्फ खेत, और एक अकेले संत ने आकर के आप ही लोगों के सहयोग से इस जगह को धीरे धीरे हरा भरा करना शुरू किया। मैं कई बार आश्चर्य किया करता हूं कि श्री गुरुजतन साहेब जी ने मात्र 20 वर्षों में इतना कुछ यहां पर विकसित कर लिया। ये साधारण बात नहीं है। इलाहाबाद इतनी बड़ी जगह हो पाया है, उसमें दो पीढ़ी लग गई, दो पीढ़ी के संत उसमें लग गए, तब जाकर के इतना वहां पर बन पाया। तब वहां कुछ संत रह पा रहे हैं, पुस्तकों का प्रकाशन और थोड़ी कुछ सेवा हो पा रही है, लेकिन जमीन हमारे पास वहां भी नहीं है इतनी। लेकिन मैं देखता हूं यहां पर अकेले रह करके कुछ साथियों के साथ मिल करके उन्होंने ये मकान बनाया, जमीन को हरा भरा किया और लोगों के जीवन में भी वो असर डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर इतना सब कुछ वो कर पाए हैं तो इसमें उनकी समझ और सोच निरंतर लगी हुई है। जब अभिलाष साहब जी यहाँ कभी कार्यक्रम में आया करते थे
तो एक बार उन्होंने कुछ चीजें देख करके कहा, बढ़िया बनाया है उन्होंने, किसी चीज पर उंगली नहीं रख सकते, किसी चीज पर आप उंगली नहीं उठा सकते कि ये ऐसा ठीक नहीं हुआ है, जितना हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो जीवन में जिन्होंने श्रम किया है, जहां पहुंचे हैं, ये वही जानते हैं। लता मंगेशकर ने कहा, मैं यहां हूं, सब चाहते हैं कि लता बन जाऊं, मैं नहीं चाहती, क्यों? बहुत मेहनत है इसमें। हमारे गुरुजी थे, उनकी उम्र 80 बरस के आसपास हो रही थी। उन्होंने कहा एक बार, जब जब साल भर के कार्यक्रमों की सूची बनकर के सामने आती है, तो ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापे में पहाड़ चढ़ रहा हूं, उत्साह नहीं होता है। पहले जब कार्यक्रम की सूची बनकर के आती थी तो मन उत्साह से भर जाता था और होता था कि हाँ, अमुक जगह कार्यक्रम में जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। इतने वर्षों से, 60 वर्षों से कार्यक्रम कर रहा हूं, शरीर बूढ़ा हो गया है, अब बुढ़ापे में जब कार्यक्रम की सूची बनकर के सामने आती है तो लगता है जैसे बुढ़ापे में पहाड़ चढ़ना कठिन लगता है। ये जो उनकी मेहनत है, ये मेहनत ही उनको यहां तक लेकर के आई थी। इस मेहनत का अंदाजा हम लोगों को नहीं है। जिन्होंने जिया, जो उनके साथ निकट में रहे, उन्हें थोड़ा अंदाजा हो सकता है। एक गरीब आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाता है, दूसरे आदमी को भले लगे कि इसका घर छोटा है, इसकी झोपड़ी छोटी है, लेकिन जिसने झोपड़ी बनाया उसको पता है कि उसकी मेहनत कितनी लगी है। सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, तब थोड़ा कुछ कमाया, उसमें से कुछ बचाया, तब जाकर के वो मकान बना। और दूसरा उदाहरण है, एक वैज्ञानिक हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा नाम है। वो जर्मनी के थे और अमेरिका में चले गए थे विश्व युद्ध के समय, और अमेरिका रहे, और इतने बुद्धिमान आदमी थे कि उनके जैसा वैज्ञानिक कोई और नहीं माना गया। वैज्ञानिक तो बहुत हुए हैं। उन्होंने परमाणु बम बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक बम होता है, उसको कहीं डाल दो तो 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी पर सब कुछ राख हो जाता है, इतना खतरनाक। पृथ्वी एकदम बंजर हो जाए, पानी में डाल दो तो पानी उबल जाए। और उस बम को बनाने में उन्होंने मदद किया अमेरिका में। और जब बम बन गया तो उनसे बिना पूछे, उनकी बिना सलाह के अमेरिका ने वो बम जा करके जापान में डाल दिया, हिरोशिमा और नागासाकी में, और वो शहर बर्बाद हो गए। और अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े संवेदनशील आदमी थे, बहुत सादगी से रहते थे, बहुत सादगी से। जब वो ये इस बात को जाने कि ये जो बम गिराया गया ये वही बम है जो मैंने बनाने में मदद किया था, तो उनकी आत्मा कांप गई। उन्होंने कहा, अगर पुनर्जन्म होता हो तो मैं फिर नहीं चाहूंगा कि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं या वैज्ञानिक बनूं, मैं नहीं चाहूंगा। इतनी बुद्धि मुझे ईश्वर ने दी थी, वो बुद्धि मुझे लोगों के कल्याण के लिए लगानी थी,
उस बुद्धि से मैंने बम बनाया और इतने हजारों लाखों लोग मारे गए। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा जन्म फिर से ऐसा हो कि मैं वैज्ञानिक बनूं। और 75 वर्ष की उम्र में वो ब्रेन हैमरेज से मरे। उन्होंने कहा मरते समय मेरे शरीर की समाधि न दी जाए, वहां कोई स्मृति भवन कोई चिन्ह न बनाया जाए, मेरे शरीर को जला करके उसकी राख को समुद्र में डाल देना और जो मेरा घर है वहां किसी और को दे देना तो कोई और रहेगा। उन्होंने एकदम सादगी से जीवन जिया था। बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन इतनी बुद्धिमानी के बाद जीवन के अंत में उन्हें निराशा ही हासिल हुई। सज्जनों और देवियों, हम जीवन में जैसे जैसे बूढ़े होते हैं और हमारा मन जैसा सोचता है उससे ये पता चलता है कि हमने अपना जीवन किस तरीके से जिया है। और बुढ़ापे में अगर चिंता, परेशानी, टेंशन, तनाव, शिकायत अपने घर, अपने परिवार और अपने लोगों के प्रति हो तो इसका मतलब है कि हम जीवन को सही ढंग से नहीं जी पा रहे हैं और हमारी सारी बुद्धिमानी, हमारी सारी योग्यता व्यर्थ है अगर हम शिकायत करते करते जीते हैं और पछताते पछताते मरते हैं। कोई आदमी बहुत बुद्धिमान ना हो, कोई आदमी बहुत धनी ना हो, लेकिन जीवन में शिकायतें ना रखता हो, तनाव ना रखता हो, बस वो अच्छा है। इसी छत्तीसगढ़ की बात है, गुरुजी भक्तों से मिल रहे थे, अभिलाष साहब जी, तो एक 40-45 वर्ष का एक युवक थोड़ा दूर किनारे पर बैठा हुआ था। लोगों ने बताया साहब इस आदमी को कैंसर है और इसकी दवा अब नहीं हो पाएगी, चौथे स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि अपने घर पर रहे, जब बहुत ज्यादा दर्द हो तब कोई दवा खा ले दर्द की, बाकी अब जितने दिन है 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। वो आदमी शांत चुप वैसे ही बैठा हुआ रहता था। गुरुजी ने कहा ये भले बहुत बुद्धिमान ना हो लेकिन फिर भी ये आदमी इतनी शांति से मृत्यु की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये बड़ी बात है। अपनी मौत को आते हुए देखना और रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, परेशान नहीं होना, ये बड़ी बात है। और अगर ये इस तरीके से जी पा रहा है तो बहुत अच्छा है। तो हम भले बहुत बुद्धिमान ना हो, हमें बहुत दुनियादारी की समझ ना हो, ठीक है, लेकिन अगर हमारा मन अच्छा है, भक्ति में ये कभी नहीं कहा गया, अध्यात्म में ये कभी नहीं कहा गया कि आप बहुत बुद्धिमान होइए, बुद्धिमत्ता को महत्व नहीं दिया गया। किसको महत्व दिया गया है? विचार को। हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं वो विचार शुद्ध हो, पवित्र हो, सात्विक हो, बस इतना पर्याप्त है। और कोई बहुत बुद्धिमान हो और जीवन दुखों से भरा हो तो कैसी बुद्धिमत्ता।
एक बड़े लेखक हुए हैं राहुल संस्कृत्यायन नाम के, जो साहित्य पढ़ते हैं हिंदी साहित्य वो जानते होंगे। 33 भाषाओं के वो ज्ञाता थे। बचपन में वो साधु होने के लिए निकले थे, लेकिन साधुता छोड़ करके फिर वो पढ़ने पढ़ाने में लग गए। 33 विश्व की भाषाओं के वो ज्ञाता थे, बहुत लिखा उन्होंने। जीवन के अंतिम अंतिम में उनको विस्मृति का रोग हो गया था, और जो उनके साथ रहते थे वो कहते थे कि अगर ये बच जाएंगे और ठीक हो जाएंगे तो इनको का से कबूतर और खा से खरगोश सिखाना पड़ेगा। वो सब कुछ भूल गए थे, अपना नाम तक नहीं भूल गए थे, अपना नाम तक भूल गए थे। बहुत बोलने वाले, बहुत जानने वाले को भी स्मृति खोना होगा, बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा। ये हम सबके साथ सच है, ये हकीकत है। तो जीवन में हमारे पास जो थोड़ा सा समय बचा है, इसमें हम लोगों से व्यवहार ले लें और उस व्यवहार के नकलीपन को समझें कि जो भी व्यवहार है ये है नकली, है ये झूठ। कोई हमें आदर दे तो चला जाएगा, और कोई हमारा अपमान करे तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो जो व्यवहार का नकलीपन है, इससे अपने आप को बचाए और इस बात को समझे कि असल चीज कुछ और है और उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो असल चीज क्या है? हम अकेले बैठते हैं जब, तब हमारा चित्त और हमारा मन क्या सोचता है? संसार को सोचता है, दूसरे लोगों को सोचता है, दुनियादारी की बात सोचता है, क्या सोचता है? अगर हम दुनिया को सोचते हैं तो हम नकली सोच रहे हैं, हम नकली जी रहे हैं, असलियत नहीं है। और अगर जब हम मौन होकर के जीते हैं, शांत होकर के जीते हैं, अकेलेपन में जीते हैं, और इस अकेलेपन में हमें रस आता है, आनंद आता है, तब इसका मतलब है हम अपने अकेलेपन से जीने के लिए राजी हैं। कभी किसी को मरते हुए देखे हो ना, जब कोई आदमी अपने अंतिम समय में होता है तो कैसे तड़फड़ाता है। वो चाहता है कि पत्नी सामने आ जाए, बच्चे सामने आ जाए, परिवार के लोग सामने आ जाएं। इसका मतलब है अकेलेपन से उसको घबराहट है। और जो आदमी अकेलेपन में जीने को राजी है, वो जीवन के अंत में फड़फड़ाएगा नहीं, तड़पेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, वो अकेले में राजी होगा। मुसलमानों में एक महिला फकीर हुई है, उसका नाम है राबिया। राबिया जैसे हिंदुओं में मीरा हुई है, मीराबाई, वैसे राबिया हुई है। 90 साल की थी, बूढ़ी हो गई थी। उससे मिलने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे, फकीर आया करते थे, संत आया करते थे, भगत आया करते थे। वो किसी से मांगती नहीं थी। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, उसमें बाजरा बो लेती थी, उसी से वो गुजारा कर लेती थी। जिसको मिलना होता था उसके पास मिलने आया करती थी। 90 बरस की थी, अपने कमरे में थी तो लोग उसको घेरे बैठे हुए थे। उसने अपने साथी से कहा, इन सब लोगों को बाहर करो। जब बाहर चले गए तो उसने किवाड़ा बंद कर दिया और अपने साथी से कहा, मुझे स्नान करा दो, कपड़े बदले, साफ सुथरे कपड़े पहने और बिस्तर पर आकर के बैठ गई। बाहर लोगों ने सोचा कि जाने का वक्त हो रहा है, अब उनसे दुआ सलाम करें और अपने अपने घर जाएं।
दरवाजा उड़काया हुआ था। दरवाजा खोल करके जब अंदर आए तो देखे वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसका शरीर छूट चुका था। शांत अकेले में उसने शरीर छोड़ दिया। जो अध्यात्म का रास्ता चुनता है इसका मतलब है उसने अपने अकेलेपन को स्वीकार किया है, भीड़ को नहीं स्वीकारा। भीड़ तो संयोग से आती है और चली जाती है, रास्ता उसका अकेलेपन का ही है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर हम अपने अकेलेपन में राजी हैं, खुश हैं, तो हमारा जीना सही है। और अगर हम अपने अकेलेपन से घबराते हैं और दुनियादारी की याद करते हैं, लोगों की याद करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे चित्त में संसार बसा हुआ है भीतर तक, और इसने हमारा हमको दूर कर दिया है अपने आप से। इस बात को हम सब समझें, अपनी असलियत में जिए, अपने एकांत और अकेलेपन में जिए, और बुद्धि से ज्यादा अपने मन को अच्छा करें। कुछ थोड़ी बातें आज के श्रद्धांजलि सभा में कहने का अवसर पड़ा, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।